गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दैट इज द पार्ट ऑफ जेनेटिक्स। हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। जेनेटिक्स का एक पार्ट है। अभी तक हमने बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस जान लिया है और मेंडल्स लॉ को हमने पढ़ लिया है, ठीक है। लॉ ऑफ मेंडल्स हम पढ़ चुके हैं। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन हमने देख लिया है और आज हम देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, यानी वन जीन का इनहेरिटेंस कैसे होता है। अच्छे से समझा है कि जब हम एक करेक्टर्स को स्टडी करते हैं, व्हेन वी स्टडी वन करेक्टर एट अ वन टाइम, अगर एक समय में हम एक टाइम पे एक करेक्टर को स्टडी कर रहे हैं तो हम उसे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कहेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी हमने समझ लिया है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स क्या होता है बेटा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स ये होता है, मोनो मीन्स होता है वन, हाइब्रिड मीन्स होता है सेल्फिंग, जो हम कराते हैं टू प्लांट्स के बीच में जो हम सेल्फिंग कराते हैं, क्रॉसिंग ओवर कराते हैं, ठीक है, उनके करेक्टर्स को मिक्स करते हैं, उसे हम हाइब्रिड बोलते हैं। तो मोनोहाइब्रिड में हमने वन करेक्टर्स को स्टडी किया था एक समय पे, किसी भी एक करेक्टर्स को, जो मेंडल के 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर हैं उन्हीं में से किसी एक करेक्टर को हमने स्टडी किया था, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन मीन्स, सबसे पहले तो इनहेरिटेंस का मतलब हम जानते ही हैं क्या होता है बेटा, द ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो करेक्टर्स का ट्रांसफर होता है उसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, इट मीन्स यहाँ पे टू पेयर ऑफ करेक्टर्स, टू जीन्स, नॉट टू पेयर, टू पेयर ऑफ जीन्स, क्योंकि जीन जो है पेयर में ही होते हैं, एलील्स पेयर में होते हैं, तो इसीलिए हम टू पेयर ऑफ जीन्स को स्टडी करते हैं। इट मीन्स हम टू करेक्टर्स को स्टडी करते हैं एट अ सेम टाइम, एक समय पे हम दो करेक्टर्स को स्टडी करते हैं। मेंडल सेकेंड लॉ और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको हम समझेंगे अच्छे से बिकॉज इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों बोलते हैं इसको? अभी तक हमने जो पढ़ा है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा है एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा है। टुडे वी लर्न अबाउट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इट स्टेट दैट फैक्टर फॉर डिफरेंट पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर इन अ डाईहाइब्रिड असॉर्टेड या डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। इट मीन्स जब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, जब हम दो करेक्टर्स को स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे कुछ करेक्टर्स जो है वो डिफरेंट हमारे आते हैं। इट मीन्स जो जीन होते हैं वो इंडिपेंडेंटली आपस में कंबाइन करते हैं, इंडिपेंडेंटली आपस में मिक्स करते हैं, मिक्स होते हैं, इसीलिए इसको हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। अभी जब आगे समझेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मेंडल सेकेंड लॉ जो है कैन बी एक्सप्लेन बाय डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस से हम समझते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस हम कई बार समझ चुके हैं, फिर वही लिखा है द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स विच डिफर इन टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर। अगर टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स को ले रहे हैं तो इट मीन्स दैट इज डाईहाइब्रिड क्रॉस है, ओके। नेक्स्ट, डाईहाइब्रिड क्रॉस आपको दिख रहा है, देखिएगा पेरेंट्स है, पेरेंट्स का फिनोटाइप जो है दैट इज राउंड येलो, जो सीड है ये आपका जो पी सीड्स है उसके लिए लिया गया है, पी सीड का करेक्टर लिया गया है, एक उसका जो है सीड शेप लिया गया है और दूसरा सीड कलर लिया गया है, ठीक है, सीड कलर एंड सीड शेप। तो यहाँ पे सीड शेप एक कल आपका जो करेक्टर है और सीड कलर दूसरा करेक्टर है, तो यहाँ पे हमने दो करेक्टर्स को लिया है एट अ सेम टाइम स्टडी करने के लिए। इट मीन्स इट इज़ कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस किसके बीच में कराया जा रहा है? ब्रिंकल्ड ग्रीन के बीच में, यानी एक येलो सीड है आपका और वो राउंड है, दैट इज़ डोमिनेंट करेक्टर। येलो और राउंड हम पहले पढ़ चुके हैं कंट्रास्टिंग करेक्टर में कि येलो और राउंड कैसा होता है, डोमिनेटिंग करेक्टर होता है, डोमिनेट करता है,
और दूसरा जो आपका है जो राउंड और येलो है, जो ब्रिंकल्ड एंड ग्रीन है, ठीक है, वो कैसा है? रेसेसिव है। राउंड येलो कैसा है? डोमिनेटिंग करेक्टर है। और इनका जब हम आपस में सेल्फिंग कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो कैसे हमारे आएंगे? ये हमारे आएंगे राउंड और येलो, ठीक है। क्यों राउंड और येलो आ रहे हैं? बिकॉज राउंड जो ये आर है और ये येलो है, ये डोमिनेटिंग करेक्टर हैं, और हम पढ़ चुके हैं इन F1 जनरेशन ओनली डोमिनेटिंग करेक्टर कैन बी सीन, नॉट रिसेसिव करेक्टर, ठीक है। F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ डोमिनेटिंग करेक्टर ही हमें दिखते हैं, ओके। नाउ वी रीचेस द नेक्स्ट पेरेंटल। अब एक जो है फिनोटिपिक रेशियो बताया गया है, चेकर बोर्ड बताया गया है, इसे पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें बनाने की है, ठीक है, अच्छे से समझ लेंगे अच्छे से। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा यहाँ पे जो है पेरेंटल जनरेशन में आपका जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई, दैट मीन्स ये राउंड येलो सीड के लिए है, फिगर में भी दिख रहा है, इट इज़ राउंड येलो सीड आपका जो है, ये राउंड येलो है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये आपका ब्रिंकल्ड ग्रीन है, राउंड येलो और ब्रिंकल्ड ग्रीन सीड है, ठीक है, हाँ। उसके बाद ये F1 जनरेशन में आपका जो है राउंड येलो आएगा, लेकिन उसमें रेसेसिव करेक्टर होगा, रेसेसिव का जीन उसमें होगा, बट शो नहीं करेगा, तो फिनोटिपिक रेशियो वहाँ एक ही जैसा आएगा, सभी सीड्स जो होंगे वो राउंड येलो होंगे। बट इनकी जब हम सेल्फिंग कराएंगे, यानी दोबारा राउंड येलो जो F1 जनरेशन से आए हुए हैं, इन्हें हम दोबारा फिर से क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, जब हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो यहाँ पे कुछ रेशियो हमें देखने को मिलेंगे। पहले तो इनको गैमीट फॉर्मेशन करेंगे, तो गैमीट फॉर्मेशन हम एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई लेंगे, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई लेंगे, उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसी तरह से दोनों तरफ 4-4 गैमीट्स बन जाएंगे, गैमीट फॉर्मेशन होगा। आपको पता है गैमीट फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, इसीलिए 4 से यहाँ देखिए सिर्फ 2 रह गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब हम यहाँ पे चेकर बोर्ड बनाएंगे, कॉम्बिनेंट कराएंगे जीन को, जीन का कॉम्बिनेशन होगा आपस में, जब ब्लेंड होंगे करेक्टर्स, तो हमें जो करेक्टर्स मिल रहे हैं वो 9 कैसे होंगे हमारे, 9 दैट इज़ राउंड येलो, राउंड येलो होंगे। अब इसमें हो सकता है कुछ में रेसेसिव जीन हो, बट सम हैविंग प्योर राउंड येलो जीन्स, ठीक है, बट सम है रेसेसिव जीन्स फॉर ग्रीन एंड ब्रिंकल्ड, बट दे कैन नॉट एक्सप्रेस, ठीक है, वो शो नहीं करेंगे। जब तक होमोजाइगस कंडीशन में नहीं आएगा रेसेसिव, तब तक वह अपना कोई भी करेक्टर शो नहीं करता है, ओके, समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन हमारी हेटरोजाइगस वाली हैं। अगर पूछता है हाउ मेनी कंडीशंस आर हेटरोजाइगस, जिसमें दोनों करेक्टर्स हेटरोजाइगस हों, तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ ये लाइन आपको डायगोनल खींच देनी है। देखिए ये सभी हमारे कैसे हैं, ये हेटरोजाइगस कंडीशन में है, जिसमें दोनों आपके करेक्टर्स जो हैं वो हेटरोजाइगस कंडीशन में हैं, ठीक है। होमोजाइगस कंडीशन में कितने हैं, ये 4 हमारे जिसमें दोनों करेक्टर हैं होमोजाइगस में हैं, तो ये डायगोनल पे आएंगे, ये भी सभी आपके होमोजाइगस कंडीशन में हैं, बाकी आपके कोई एक आपका होमोजाइगस, दूसरा हेटरोजाइगस, या आपका एक पहला वाला हेटरोजाइगस तो दूसरा होमोजाइगस होगा, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। इसका जो फिनोटिपिक रेशियो होता है, दैट इज़ 9:3:3:1। अब यही हम समझ लेते हैं, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मीन्स ये है कि यहाँ पे जो करेक्टर्स हैं वो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाया गया है, ठीक है। राउंड येलो ब्रिंकल्ड येलो, तो यहाँ पे राउंड येलो और ब्रिंकल्ड येलो तो है ही है, साथ में देखिए आपका जो है वो ब्रिंकल्ड येलो भी आएगा, ब्रिंकल्ड ग्रीन तो है ही है, राउंड और आपका ग्रीन भी आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से करेक्टर्स की मिक्सिंग हो चुकी है, करेक्टर मिक्स हो चुके हैं, ठीक है। राउंड ग्रीन भी होगा, राउंड येलो भी होगा, ब्रिंकल्ड येलो होगा और ब्रिंकल्ड ग्रीन भी होगा। तो ये करेक्टर्स की क्या है, यहाँ इंडिपेंडेंट, इट मींस जो यहाँ पे जीन्स हैं, जो फैक्टर्स हैं मेंडल, जिन्होंने फैक्टर्स जिन्हें मेंडल नाम दिया था,
वो जो फैक्टर हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के साथ भी वो कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इट सीन ओनली इन डाईहाइब्रिड क्रॉस, नॉट इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम देख नहीं सकते, ठीक है। ये सभी हम देख पाएंगे जब मोर देन वन कंट्रास्टिंग करेक्टर को हम स्टडी करेंगे, ठीक है, मोर देन वन। सो इट कैन सी इन डाईहाइब्रिड क्रॉस। ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा ना बेटा? आना चाहिए समझ में। देखो, समझ के पढ़ेंगे तभी ठीक से हम अच्छे से कुछ ना कुछ अच्छा टारगेट अचीव कर लेंगे। समझ के नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा क्या करना है आपको, कैसे करना है। तो कुछ भी पढ़ें अगर आप, तो उसको अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए। समझ में ना आए तो उसको कई बार पढ़िए, और कहीं भी कोई डाउट हो तो उसको तुरंत क्लियर कीजिए। अगर डाउट को आपने छोड़ दिया कि अभी नहीं बाद में देख लेंगे, तो वो बाद में ही रह जाता है, फिर वो क्लियर नहीं हो पाता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ क्लियर एट दैट टाइम। ओके, हाँ, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। सबसे पहले वी अंडरस्टैंड अबाउट टेस्ट क्रॉस। व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस क्या होता है? व्हेन वी क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड प्लांट या ऑर्गेनिज्म या कोई भी आपकी प्रोजनी जो है, वो F1 जनरेशन की जो प्रोजनी है, उसे अगर हम पैरेंटल के रेसेसिव से, जो पैरेंट में रेसेसिव करेक्टर रखने वाला है, उसके साथ अगर हम हाइब्रिड करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो उसे हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। द क्रॉस बिटवीन F1 एंड रेसेसिव पेरेंट्स, ठीक है। F1 हाइब्रिड इज क्रॉस बिट रेसेसिव ग्रीन विंकल्ड पी प्लांट, क्योंकि ग्रीन विंकल्ड पी प्लांट कैसा था? वो रेसेसिव था। और F1 में क्या आया था? जो राउंड और येलो आया था, बट उसमें रेसेसिव जीन था जो शो नहीं हो रहा था। अगर उसके साथ में हम कॉम्बिनेशन कराते हैं तो हमारा जो रेशियो आएगा वो 1:1:1:1 आएगा, यानी सभी जितने भी आपके ऑफ स्प्रिंग होंगे, सभी जो है हर टाइप के जो है वहाँ पे पाए जाएंगे, ठीक है, जितने भी हैं सभी। यानी एक राउंड येलो भी मिलेगा, एक आपका जो है राउंड ग्रीन भी मिलेगा, एक आपका ब्रिंकल्ड येलो मिलेगा, और एक आपका ब्रिंकल्ड ग्रीन मिलेगा। यानी जितने भी टाइप्स के हैं सभी टाइप के आपको देखने को मिल जाएंगे, किसमें? टेस्ट क्रॉस। इसीलिए इसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, क्योंकि हमने चेक कर लिया है, हमने टेस्ट करके देख लिया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ करेक्टर हैव F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में किस किस टाइप के करेक्टर्स छुपे हुए हैं, ठीक है, वो आपके जो है शो करेंगे जब हम टेस्ट क्रॉस करवाएंगे तब। हाँ, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, एक कहानी है, पूरी कहानी से हम समझेंगे। अभी तक क्या था कि मेंडल जो थे, जो मेंडल ने बताया उसी पे हम लोग चल रहे थे, कि मेंडल ने बताया फैक्टर्स होते हैं, एलील्स होते हैं, जो करेक्टर को ट्रांसफ़र करते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। बट व्हेन सम साइंटिस्ट स्टडीड मोर स्टडीड, कुछ और ज़्यादा जब स्टडी किया उन्होंने, तो पाया कि नहीं, एलील्स नहीं है, ये एलील्स जैसे ही कुछ हैं, यानी कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स जो हैं वो इस करेक्टर को रख रहे हैं, ठीक है। तो इट वॉज प्रपोज बाई वाल्टर सटन एंड थियोडोर बॉवेरी, ठीक है। तो सटन और बॉवेरी ने जो है वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, साथ में T.H. मॉर्गन भी आता है, वो भी साथ में थे, ठीक है। दे वर्क आउट द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस। आपने इन क्लास 11th सेल डिवीजन पढ़ा है, सेल डिवीजन में आपने देखा है कि मियोसिस क्या होती है, ठीक है। तो मियोसिस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, मियोसिस आपकी जो है, मियोसिस में क्रोमोसोमल क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड होते हैं, ठीक है, डिवाइड होके हाफ रह जाते हैं। तो वहाँ पे जब क्रोमोसोमल देखा कि मूवमेंट क्रोमोसोम का हो रहा है, ये किसने पाया? ये सटन और बॉवेरी ने देखा कि क्रोमोसोम जो हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, इधर उधर जो है मूव हो रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जो इनहेरिटेंस की थ्योरी है ये क्रोमोसोमल थ्योरी है, क्रोमोसोम पे बेस्ड होती है,
तब ये पता नहीं था शुरुआत में मेंडल को कि क्रोमोसोम्स होते हैं, उन्होंने फैक्टर नाम दे दिया था, एलील्स नाम दे दिया था। द मूवमेंट बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वॉज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन, यानी जो जीन होते हैं उसी के पैरेलल बिहेवियर होता क्रोमोसोम का। इट मीन्स द जीन आर फाउंड ऑन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पर ही जीन पाए जाते हैं, ये बाद में पता चलेगा, ठीक है, बाद में हम जानेंगे। द क्रोमोसोम मूवमेंट इज यूज टू एक्सप्लेन मेंडल्स वर्क, क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये मूवमेंट जो इनका है ये मेंडल के जो ला था, जो मेंडल ने दिया था अपना ला, उसको पूरी तरह से फॉलो कर रहे थे, ठीक है। द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोम्स सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल इज कॉल्ड क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो सेग्रीगेशन था कि सेग्रीगेट हो रहे हैं, इट मीन्स क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं, जब अलग होते हैं तो करेक्टर्स जो है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, तो इस सेग्रीगेशन थ्योरी को भी ये फॉलो कर रहा था, ठीक है, उसको भी ये प्रूव कर रहा था। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्रोमोसोम एंड जीन आर प्रेजेंट इन पेयर इन डिप्लॉयड सेल्स, हम ये बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम और जीन दोनों डिप्लॉयड सेल में पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब मियोसिस होती है तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं, जो एक जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं, वो अपनी कॉपी बना लेते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, आधे आधे जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन रीस्टोर द क्रोमोसोम नंबर टू डिप्लॉयड कंडीशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है इट मीन्स वहाँ पे फिर जाके, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि एक मेल से एक फीमेल से दो अलग अलग से जो गैमीट्स आते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं, और आफ्टर फ्यूजन दे मेक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड जायगोट, जब जायगोट बनाते हैं तो अपनी फिर जो क्रोमोसोम का नंबर है उसको फिर से रिटेन कर लेते हैं, फिर से रिगेन कर लेते हैं, ठीक है, और रिमेन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड सेल के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है जो टीएस मॉर्गन ने भी दी, और टीएस मॉर्गन ने जो है थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कोलीज और उनके कोलीज ने कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसीलिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में जो थ्री साइंटिस्ट हैं सेटन वावेरी एंड टीएस मॉर्गन, इन तीनों का पूरा पूरा जो है क्रेडिट जाता है इन तीनों को। मॉर्गन वर्क विद टिनी फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, ये फ्रूट फ्लाई होती है, फ्रूट पे बैठती है, ये ज़्यादा उड़ नहीं सकती, इसके जो विंग्स होते हैं हल्के होते हैं, और इस पे जितनी सारी जेनेटिक्स की स्टडीज़ की गई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसी पे की गई हैं, बिकॉज ये जो है इस पे करेक्टर्स को स्टडी करना आसान होता है, जैसे पी पे स्टडी करना आसान होता है, इसका मेल और फीमेल भी अलग अलग होता है, जो है ईजिली इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इट इज़ मेल इट इज़ फीमेल, फीमेल बड़ी होती है मेल छोटा होता है, इसीलिए इस पे जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। क्यों सिलेक्ट किया है वही चीज़ हम समझ लेते हैं कि ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर या फ्रूट फ्लाई को ही क्यों सिलेक्ट किया मॉर्गन ने, तो इट इज़ सुटेबल फॉर जेनेटिक स्टडीज, सुटेबल होता है जेनेटिक स्टडीज के लिए। हम अब ऐसी कोई चीज़ नहीं चुनेंगे जिस पे हम स्टडी ही ना कर पाएँ, हम उसी चीज़ को स्टडी करने के लिए चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं जो हमारे लिए इजी होती है, इजी अवेलेबल होती है, कोई चीज़ मिले ही ना तो आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे तो स्टडी क्या करेंगे, ठीक है। तो स्टडी करने के लिए हमें क्या करना है, एक ऐसी चीज़ को सिलेक्ट करना है जो ईजिली अवेलेबल हो, जिसमें हम सिंपली कम एक्सपेंसेस करके अच्छे से उस पर हम एक्सपेरिमेंट कर सकें। ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी, आराम से ग्रो हो जाती है सिंपल सिंथेटिक मीडियम से, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, ठीक है, मेन यही रीज़न है कि दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, 14 डेज में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेती है। अ सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी फाइल्स, ठीक है, प्रोजनी फ्लीज, जो एक सिंगल मेटिंग के, ठीक है, आफ्टर अ सिंगल मेटिंग जो है मेनी नंबर ऑफ फ्लीज प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर डिफ्रेंसिएशन ऑफ मेल एंड फीमेल, अभी बात हुई थी। मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप, इसमें जो है लो पावर माइक्रोस्कोप का यूज करके मेनी टाइप ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन को सीन कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, इसीलिए इसको चूज किया गया। देन हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि हम अब तक समझ चुके हैं क्रोमोसोमल थ्योरी, इट मींस जो
करेक्टर्स होते हैं वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं और उन्हें हम जीन कहते हैं, और यही जीन जो है ट्रांसफ़र होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, इतना समझ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है? मैसेज मी, मैसेज कर दो अगर कोई भी डाउट है, मैं क्लियर करूँगा उसे, ठीक है? हाँ, अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ते रहेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन, हेनकिन इन 1891 ट्रेसेस स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेंसिस ऑफ सम इंसेक्ट। कुछ इंसेक्ट में ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेंसिस यानी स्पर्म फॉर्मेशन जब हो रहा था, तब उन्होंने पाया कि कुछ जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हैं उनको उन्होंने ट्रेस किया, और ट्रेस करने पे ये पाया कि 50% ऑफ स्पर्म रिसीव्ड दीज स्पेसिफिक स्ट्रक्चर वेयर एज 50% स्पर्म डिड नॉट रिसीव इट। कुछ स्पर्म में स्ट्रक्चर से रिसीव हो रहे थे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, कुछ में नहीं हो सक रहे थे। ही गेव अ नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर टू एक्स बॉडी, ठीक है, जिसे हम बाद में एक्स क्रोमोसोम बोला, जिसे बाद में हम लोगों ने एक्स क्रोमोसोम कहा, यही पहले एक्स बॉडी बोला गया था। अब क्रोमोसोम्स का टाइप देख लेते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये सभी में अलग अलग होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सभी में अलग अलग होता है। तो इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, जो सेक्स को डिटरमाइन करेगा कि जो ऑफस्प्रिंग है उसका सेक्स क्या होगा, तो ये डिटरमाइन करने के लिए सभी में जो अलग अलग टाइप के पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उन्हें हम हेट्रोसोम्स कहते हैं, और जो सेम होते हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं उन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं, वो किसी दूसरे करेक्टर को कैरी कर रहे होंगे। तो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रासहॉपर में। ग्रासहॉपर कंटेन एक्स एक्स एंड एक्स जीरो टाइप, एक्स नॉट टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। 12 पेयर्स होते हैं यानी 24 क्रोमोसोम्स होते हैं। द मेल हैज़ ओनली 23 क्रोमोसोम्स, जो मेल होता है वो 23 क्रोमोसोम्स रखता है। जो आपका एक्स नॉट लिखा है दैट मीन्स वन क्रोमोसोम उसमें नहीं होता है। कितने होते हैं? एक्स क्रोमोसोम मेल में जो है एक क्रोमोसोम कम होता है, मेल में कम होता है, फीमेल में पूरे 24 होते हैं, मेल में 23 होते हैं। आल एक्स बियर वन एक्स क्रोमोसोम एलॉन्ग विद ऑटोसोम्स, जितने भी एक्स होते हैं वो ऑटोसोम्स के साथ एक एक्स क्रोमोसोम को बियर करते हैं। पहले यानी एक्स पे डिसाइड नहीं होता है एक्स में कि ये मेल होगा या फीमेल होगा। सम स्पर्म्स 50% बियर वन एक्स क्रोमोसोम एंड 50% डू नॉट, जो कुछ होते हैं उसमें एक्स क्रोमोसोम होता है और कुछ में एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है। एक फर्टिलाइज्ड विद स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम बिकम फीमेल, अगर जो एक होता है वो फर्टिलाइज्ड करता है स्पर्म विद जो मेल होगा, मेल के एक्स क्रोमोसोम से अगर फर्टिलाइज कर देता है, फीमेल का तो एक एक्स क्रोमोसोम होता ही है, तो वो वहाँ पे क्या होगा, फीमेल प्रोड्यूस होगी। अगर एक प्रोड्यूस्ड विद स्पर्म विदाउट एक्स क्रोमोसोम बिकेम मेल, अगर स्पर्म जिसके पास में एक्स क्रोमोसोम नहीं है तो उसके साथ में अगर पेयरिंग करता है, उसके साथ अगर वो फर्टिलाइज्ड होता है एग, तो वहाँ पे मेल प्रोड्यूस होगा। तो ये ग्रासहॉपर में है। देन वी अंडरस्टैंड इन मैमल्स एंड अदर इंसेक्ट, इसमें क्या होता है, हम लोगों में जो है एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप होता है। मेल में एक्स वाई टाइप होता है दैट इज हेट्रोसोम्स बोला जाता है, और फीमेल में एक्स एक्स होता है, दोनों सेम टाइप का होता है। सो इन मेल शो इन ह्यूमन बींग्स मेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, कि जो ऑफ स्प्रिंग है जो न्यू बॉर्न बेबी है दैट में बी मेल और फीमेल, इट डिसाइडेड बाई द मेल स्पर्म, ये मेल स्पर्म से डिसाइड होता है। इन दिस टाइप बोथ मेल एंड फीमेल हैज सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, फीमेल हैज ऑटोसोम्स एंड अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स इट मीन 22 पेयर्स एंड वन एक्स एक्स, इट कंटेन्स फीमेल। मेल ऑटोसोम्स होते हैं वन लार्ज एक्स क्रोमोसोम एंड वन वेरी स्मॉल वाई क्रोमोसोम्स होता है, इसे हम हेट्रोसोम्स कहते हैं। इन दिस मेल में जो है हमें हेट्रोगैमिटी देखने को मिलती है और फीमेल में होमोगैमिटी होती है। होमोगैमिटी मीन्स सेम टाइप के गैमिट्स फॉर्म होते हैं, ओवा एक ही जैसे, बट इन जो मेल होता है जो स्पर्म होते हैं उसमें हेट्रोगैमिटी होती है, अलग अलग टाइप के गैमिट फॉर्मेशन होते हैं। कुछ वाई क्रोमोसोम्स जो होता है उसको कैरी करते हैं, कुछ एक्स को करते हैं। इफ क्रोमोसोम अगर वाई कैरी कर रहा है स्पर्म, वो अगर मेट करता है एक के साथ में, तो क्या होगा,
तो बॉयज बेबी होगा, अदरवाइज अगर यक्स के साथ में करता है, यक्स रखता है तो फीमेल होगा। देन हम बर्ड्स में देख लेते हैं, बर्ड्स में जो आपका जो बर्ड्स में है उसमें जेड जेड टाइप और जेड डब्लू टाइप होता है। इसमें जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है यानी जो रिस्पॉन्सिबल होता है बर्ड्स में वो फीमेल होती है, कि द डेटर सेक्स डिटर्मिनेशन इज डन बाय द फीमेल बर्ड्स। फीमेल बर्ड्स यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन की होती है, ठीक है, हेट्रोक्रोमोसोम्स होते हैं, हेट्रोगैमिट्स फॉर्म करता है, और जो मेल होता है वो होमोगैमिटी को शो करता है। तो बर्ड्स में आपको याद रखना है फीमेल हैज़ टू डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स नेम्ड एट जेड एंड डब्लू, मेल बर्ड्स हैव टू सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम एंड कॉल्ड जेड जेड। ओके, ये किस में होता है? बर्ड्स में होता है। नाउ वी अंडरस्टैंड बाय द फिगर्स, ऊपर देखिएगा, फर्स्ट में ह्यूमन बींग्स को शो किया गया है। ह्यूमन बींग्स में देखिएगा, इन ह्यूमन बींग्स द मेल कंटेन्स द मेल हैव एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स दैट इज हेट्रोगैमिटी एंड फीमेल बोथ क्रोमोसोम्स आर एक्स एंड एक्स। एंड देखिए सेकेंड में आपका जो है वो ड्रोसोफिला है, उसमें देखिएगा एक्स वाई एंड एक्स एक्स होता है, सेम होता है अदर इंसेक्ट में, ठीक है। इन बर्ड्स में देखिएगा, बर्ड्स में आपका जो है जेड जेड किसके पास में है? मेल कॉक और हेन के पास में जेड डब्लू है। तो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो किस में होगा? वो बर्ड्स के थ्रू होगा, फीमेल बर्ड्स के थ्रू होगा, ठीक है। देन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स समझ लेते हैं, क्लास एट्थ में भी आप ये पढ़ चुके हो, सिंपल है, और आप इसे क्लास टेंथ में भी पढ़ चुके हो, तो ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि ह्यूमन बींग्स में जो मेल होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। एक्स वाई टाइप आउट ऑफ 23 पेयर्स क्रोमोसोम 23 पेयर्स आर एग्जैक्टली सेम इन मेल एंड फीमेल कॉल्ड ऑटोसोम्स। अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन फीमेल एंड एक्स वाई इन मेल। 22 pairs are autosomes and the 23rd pair is called heterosomes. During spermatogenesis, male produce two type of gametes. Some have X chromosomes and some have Y chromosome. 50% sperm having X chromosome and 50% sperm having Y chromosomes. Female produce only one kind of gametes, या ovum उसको बोलते हैं, that is have only X chromosomes. When sperm having Y chromosomes mating with female ova, female ovum, then the newborn baby is क्या होगा? baby जो होगा वो boy होगा, क्योंकि X और Y किसके लिए है? boys के लिए है, ठीक है। यही पूरा show किया गया है, देखिए parents father है, X Y रख रहा है, female जो है वो X X रख रही है, उसके बाद में gametes formation होता है, X Y X X बनता है, उसके बाद में मेटिंग दिखाई गई है। 50% पॉसिबिलिटी फीमेल की और 50% पॉसिबिलिटी होती हैं मेल की, ठीक है, जो है प्रोबेबिलिटी होती है। बट इट इज़ नॉट ट्रू कि अगर फोर नंबर ऑफ जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं फोर हैं तो उसमें दो मेल होंगे दो फीमेल होंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जो चांसेस होते हैं वो 50-50% होते हैं बस। नाउ वी अंडरस्टैंड द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला, ठीक है। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर जो फ्रूट फ्लाई है उसी पे जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है वो भी स्टडी किया गया है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि जो भी करेक्टर्स हैं वो सेक्स लिंक्ड होते हैं, यानी मेल और फीमेल पे अलग अलग जाते हैं। ये नहीं है कि जो मेल है मेल पे और फीमेल पे बराबर जाएंगे, बिकॉज जो करेक्टर्स होते हैं वो किस पे होते हैं? क्रोमोसोम्स पे होते हैं। और अभी हम देख चुके हैं, अभी हम पीछे सेक्स डिटर्मिनेशन में पढ़ चुके हैं, द मेल हैव हेट्रोगैमिट्स इन सम स्पीसीज, द फीमेल हैव हेट्रोगैमिट्स हेट्रोसोम्स। जब हेट्रोसोम्स हैं दैट मीन्स उस पे जो करेक्टर्स होंगे जो जीन्स होंगे वो करेक्टर्स भी शो करेंगे जिसमें जाएंगे उसमें। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल है वो डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स को रख सकता है। तो इसका एक एग्जांपल ड्रोसोफिला पे लिया गया, उसकी रेड और वाइट आइज में और उसकी बॉडी में वाइट बॉडी और ब्राउन बॉडीज में, ठीक है, येलो एंड ब्राउन बॉडीज में। वाइल्ड वैरायटी ड्रोसोफिला हैज़
वाइल्ड वराइटी जो थी वो क्या थी, रेड आई एंड ब्राउन कलर बॉडी, ठीक है, नॉर्मल साइज विंग्ड, विंग्ड उसके नॉर्मल साइज थे, ब्राउन कलर बॉडी थी उसकी और रेड आइज थी, ये वाइल्ड वराइटी थी। बट द मैच्योर ड्रोसोफिला हैज़ वाइट आइज, येलो कलर्ड बॉडी, शॉर्ट विंग्स। पहले क्या देखा, नॉर्मल विंग्स थे, लेकिन जब वो म्यूटेटेड हुई, म्यूटेटेड ड्रोसोफिला जो हुई, कुछ ड्रोसोफिला देखा कि म्यूटेट कर गई हैं, ठीक है, अभी म्यूटेशन भी समझेंगे, म्यूटेट करके वाइट आई और येलो कलर बॉडी उनकी हो गई, वो विंग्स छोटे हो गए हैं। तो ये क्या है, ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, इसी को हम समझेंगे। द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ आई बॉडी एंड विंग साइज आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है कलर ऑफ आई के लिए, बॉडी के लिए और विंग साइज के लिए, ये एक्स क्रोमोसोम पे होता है। व्हेन अ रेड आई फीमेल ड्रोसोफिला इज क्रॉस विद मेल वाइट आई, F1 जनरेशन आर रेड आई। तो रेड जो है वाइल्ड टाइप है, डोमिनेटिंग टाइप का है, तो F1 जनरेशन में सभी रेड आई मिली। बट व्हेन मेल एंड फीमेल ऑफ F1 आर क्रॉस्ड, इन F2 ऑल फीमेल्स आर रेड आइड, व्हाइल 50% मेल आर वाइट एंड 50% आर रेड आइज। F1 जनरेशन में क्या देखा था, जो F1 जनरेशन के मेल थे वो रेड आइज थे, हाँ, तो रेड आइज वालों को जो आपस में F1 जनरेशन के जो मेल थे, जो फीमेल थे, उनको आपस में सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, सेल्फ ब्रीडिंग करवाएंगे, इन F2 ऑल फीमेल्स आर रेड आई। तो ये देखा कि जितनी फीमेल्स थी, समझिएगा बेटा बहुत अच्छे से पढ़िए, ऑल फीमेल्स आर रेड आई, ठीक है, जितनी फीमेल थी वो सब रेड आइज की हुई, बट 50% मेल वाइट के और 50% रेड आइज के हुए। आई बात समझ में, इट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। देखिएगा कि फीमेल सभी तो रेड आइज की हो रही हैं, बट मेल जो है वो 50% वाइट बॉडी है उनकी, ठीक है, और 50% में उनकी रेड आइज हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ गई वाइट आइज और रेड आइज में, ठीक। तो ये है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, इसे ही समझेंगे। देखिएगा फिगर दिया है, बहुत अच्छा सा फिगर है, रेड आई है, ठीक है, एक की वाइट आई है। जब इनकी हम क्रॉस्ड कराएंगे दोनों के बीच में, तो F1 जनरेशन में जितनी भी प्रोजनी में आपकी आएंगी, F1 में ऑफ स्प्रिंग होंगे, वो सभी रेड आई के होंगे। बट व्हेन क्रॉस्ड बिटवीन F1 जनरेशन, जब F1 जनरेशन में क्रॉस्ड हम करवाएंगे, तो हमें क्या मिलता है, व्हाट इज द रिजल्ट फाउंड इन F2 जनरेशन, सी एंड टेल मी, क्या है, ऑल फीमेल्स आर रेड आईज। देखिए जितनी भी फीमेल्स हैं वो रेड आइज के साथ में हैं, बट मेल 50% रेड आइज, 50% वाइट आइज, ठीक है, इट इज सेक्स लिंक्ड। क्योंकि यहाँ पे देखिए सेक्स जो है आपका फीमेल या मेल हो रहा है, उसके साथ में करेक्टर भी वैरी कर रहा है, ठीक है, करेक्टर भी चेंज हो रहा है। तो यही है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है, यही इसे ही बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में दिया गया है, इसको भी देख लेंगे आप, जो है चेकर बोर्ड बनाया गया है, ठीक है, ये भी वही चीज है और कुछ नहीं है। देन लिंकेज, व्हाट इज लिंकेज, हम लिंकेज समझते हैं, ठीक है, लिंकेज क्या है, जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स पे जो जीन होते हैं वो एक ही आर्म पे नहीं होते हैं, अलग अलग आर्म पे होते हैं, ठीक है, अलग अलग आर्म पे होते हैं, यही अभी हम समझना है। यहाँ पे मॉर्गन क्रॉस्ड येलो बॉडी वाइट आइट, येलो बॉडी थी वाइट आइट थी, म्यूटेंट फीमेल टू ब्राउन बॉडी रेड आई के साथ में वाइल्ड टाइप मेल से जब क्रॉस करवाया, इन F1 ही गॉट फीमेल आर वाइल्ड टाइप, देखा कि फीमेल भी वाइल्ड टाइप थी, एंड इंटर क्रॉस देयर F1 प्रोजनी, जब F1 प्रोजनी में उन्होंने इंटर क्रॉस्ड करवाया, देन ही ऑब्जर्व दैट द टू जीन डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, द F2 रेशियो डेविएटेड फ्रॉम 9:3:3:1। वहाँ पे देखा कि 9:3:3:1 नहीं आ रहा था, जबकि हम पहले डाईहाइब्रिड क्रॉस मेंडल वाला देख रहे थे, वहाँ पे क्या देखा था कि हमने, हमें जो मिला था, जो रेशियो आया था फिनोटाइप, दैट इज 9:3:3:1। बट हियर इन ड्रोसोफिला
when the experiment done by the T.S. Morgan, then he found the ratio in F2 generation deviated from 9:3:3:1. इट इज लिंकेज, ठीक है, किसकी वजह से हो रहा था, ये लिंकेज की वजह से हो रहा था. जीन दैट इनहेरिटेड टुगेदर विद द अदर जीन एंड दे आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड लिंक्ड जीन. इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन टुगेदर इज कॉल्ड लिंकेज. ओके, अगर एक ही आर्म पे दोनों जीन हैं, एक ही आर्म पे हैं, तो लिंक्ड हो गए, मिल गए, तो वो करेक्टर तो शो नहीं करेंगे, वो तो करेक्टर अलग अलग ले नहीं जाएंगे, क्योंकि जब मियोसिस होगी तो दोनों आर्म्स अलग हो जाएंगी. जब अलग हो जाएंगी तो कुछ करेक्टर अगर एक ही जीन पे, एक ही आर्म पे हैं, जीन पास पास में हैं, तो वो करेक्टर दूसरे में नहीं जाएंगे, ठीक है, वो करेक्टर दूसरे में नहीं जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर रेशियो जो है वो डेविएटेड हो जाएगा, ठीक है. ये पूरा जो क्रॉस में बताया गया है, इट इज़ द फिगर ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. एनसीईआरटी बुक का फिगर है, देखिए पहला क्रॉस ए है और क्रॉस बी, दोनों में क्रॉस जो है करवाया गया है मेल और फीमेल में. तो जो पेरेंटल टाइप है जो मिलना चाहिए वो पहले वाले क्रॉस ए में 98.7% और रिकॉम्बिनेंट का जो टाइप है 1.3 है. सेकेंड क्रॉस बी में देखिएगा, क्रॉस बी में जो है वो यहाँ पे पेरेंटल का थोड़ा कम हो जाता है, 62.8 समथिंग है, एंड 37.2 जो है वो रिकॉम्बिनेंट का है, ठीक है. मॉर्गन फाउंड दैट व्हेन जीन वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम सम जीन्स वर वेरी टाइटली लिंक्ड, यानी एक पास होते हैं, एक ही आर्म पे होते हैं, व्हाइल अदर वर लूजली लिंक्ड. जो लूजली लिंक्ड होते हैं वो आगे चले जाते हैं. लिंक लाइनेज, लाइनेज क्या है, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड लाइनेज. फिजिकल एसोसिएशन जो होता है जीन का किसी भी क्रोमोसोम्स पे, उसे हम लाइनेज कहते हैं. रिकॉम्बिनेशन क्या है उसको भी समझ लेते हैं. द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन. रिकॉम्बिनेशन क्या है, अगर जो जनरेशन है, जो फॉर्म हो रही जनरेशन, वो नॉन पेरेंटल जीन से फॉर्म हो रही, ठीक है, नॉन पेरेंटल जीन का कॉम्बिनेशन है, कुछ अलग हो जा रहा है, तो उसे हम रिकॉम्बिनेंट जीन कहते हैं और रिकॉम्बिनेंट जनरेशन कहते हैं. इट अकर्स इन क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस, क्योंकि मियोसिस में चेस्मेटा फॉर्मेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, तो एक क्रोमोसोम्स दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ में कुछ ना कुछ जो है इंटरचेंज करता है, एक्सचेंज करता है करेक्टर्स को, उसकी वजह से, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट जीन मिलता है. नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूटेशन. म्यूटेशन क्या है, बहुत अच्छे से समझेंगे, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. म्यूटेशन और दूसरा आपका जो है इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो जीन, जो करेक्टर्स हैं, वो वन पेरेंटल, जो वन प्रोजनी टू नेक्स्ट प्रोजनी, पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग ट्रांसफ़र होते हैं. करेक्टर्स धीरे धीरे ट्रांसफ़र होते हैं, वही करेक्टर्स रहते हैं, बट सम टाइम वी सीन सम करेक्टर्स सो सडनली. कुछ ऐसे भी करेक्टर्स होते हैं जो एकदम शो करने लगते हैं, ठीक है, जैसे सेफरवर्ड जो सीप वाला था, कि छोटी जो सीप थी वो उनके पैर छोटे हो गए थे, ठीक है, वो भी म्यूटेशन ही था, एकाएक हुआ था, सडनली होता है, अचानक हो जाता है. म्यूटेशन इज नॉट ऑलवेज गुड, हमेशा सही नहीं होता है, बट सम टाइम म्यूटेशन इज बेनिफिशरी. द फिनोटिपिक वेरिएशन अकर ड्यू टू अ चेंज इन जीन और डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड म्यूटेशन. अगर म्यूटेशन क्या होता है, जब कहीं जीन में कुछ फिनोटिपिक वेरिएशन हो जाए, जीन में चेंज हो जाए, डीएनए की सीक्वेंसिंग में चेंज हो जाए, तो उसे हम म्यूटेशन बोलते हैं. द ऑर्गेनिज्म दैट अंडरगोज म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटेंट. जो ऑर्गेनिज्म म्यूटेशन फॉलो करता है, म्यूटेशन जिसमें होता है, उसे हम म्यूटेंट कहते हैं. म्यूटेशन होता कब है, द लॉस ऑफ, अगर कोई पार्ट डिलीट हो जाए, कोई जीन ही डिलीट हो जाए, या कहीं पे एक जीन जो है डबल कर जाए, गेन कर जाए, इंसर्शन या डुप्लीकेशन हो जाए, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट इन अल्ट्रेशन इन क्रोमोसोम, इट इज़ कॉल्ड क्रोमोसोमल एब्रीविएशंस, ठीक है, क्रोमोसोमल एब्रीविएशंस, ठीक है, एब्रीविएशंस देखेंगे. जीन म्यूटेशन क्या है, द म्यूटेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन. अगर सिंगल बेस पेयर में चेंजिंग हो रही है, सिर्फ जीन में चेंजिंग हो रही है, तो उसे हम जीन म्यूटेशन कहेंगे, जिसे हम आगे पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया में. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, डिलीशन और इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन.
अगर बेस पेयर ऑफ डीएनए में अगर डिलीशन या इंसर्शन हो रहा है तो उसे हम शिफ्ट म्यूटेशंस कहते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही, आगे जो है हम जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेडिग्री एनालिसिस देखेंगे। तो जितना आज हुआ है दैट इज़ सफिशियंट फॉर यू, इतने को अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िएगा। एक बार नहीं समझ में आता है दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, देखिएगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो मैं गूगल क्लासरूम पे दे दूंगा, वो करिएगा, क्योंकि आप लोगों का जो टेस्ट होना है वो इन्हीं सब से रिलेटेड होगा। ओके, तो आपको जो है अच्छे से पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी है, ठीक है? ओके बेटा।